वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ हैंड्स एंड फीट के लिए वाइटनिंग फॉर्मूला। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा फॉर्मूला है, आपको एक बार के यूज करने से इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ट्रस्ट मी। ये जो दो चीजें मैं इसके अंदर यूज कर रही हूँ, जस्ट 40 रुपीज की आपको मिलेगी, किसी भी शॉप से, मेडिकल स्टोर से, कॉस्मेटिक स्टोर से आपको इजिली मिल जाएगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैं आपको बताती चलूं, ये आपने अपने हाथों और पैरों पे ही यूज करना है, आपने इसको जो है अपने फेस पे बिल्कुल भी यूज नहीं करना। तो बहुत ही इजी ये मेथड है, आप इंस्टेंट वाइटनिंग के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये चीजें लाके घर में ही बहुत अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें चाहिए ये जो हाइड्रोजन है प्रीऑक्साइड चाहिए, ये 20 रुपीज की है, 22 रुपीज है, 20 रुपीज तक ये आपको कहीं से भी मिल जाएगी इजिली। और उसके बाद मैं इसके अंदर यूज कर रही हूँ एमोनिया सॉल्यूशन, ये इसके साथ ही आपको मिल जाएगा, किसी मेडिकल स्टोर से भी आप पता करेंगे आपको मिल जाएगा। और उसके बाद एक सोप यूज कर रही हूँ इसके अंदर, आपको मैं रिकमेंड करूंगी आप लक्स जो है सोप वो यूज करें, मेरे पास अवेलेबल नहीं था घर में, तो ये था कोई लार्क के नाम से कोई कंपनी है, तो उसी का ही पड़ा था, तो मैं वही यूज कर रही हूँ। तो जो लक्स सोप है वो व्हाइटनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, फेस पे भी आप उसको यूज कर सकते हैं, जो कि फेस वॉश यूज करना नहीं पसंद करते उनके लिए बेस्ट सोप है, मैं वही यूज करती आई हूँ। लेकिन अब इस बार मैं यूज कर रही हूँ, देखो मैंने इतना यूज कर भी लिया है इसको। तो करना ये है कि हमने एक कटोरी ले लेनी है, उसके अंदर ये जो सोप है इसको हमने कद्दूकस कर लेना है तकरीबन एक चम्मच तक, ये तकरीबन हमारी ब्लीच बन जाएगी, जैसे हम मार्केट से ब्लीच लेते हैं बनी बनाई, ये हम खुद घर में ब्लीच तैयार करेंगे और बहुत ही टाइम निकल जाएगा। ये आप दो चीजें ले ले जाके, तो एक चम्मच तक हम इसको कद्दूकस करेंगे। तो आप देख लें अपने हिसाब से, हाथों और पैरों पर इस्तेमाल करना है इसको, आप अपने फेस पे जज्बाती होकर इस्तेमाल नहीं करिएगा। तो फ्रेंड्स देखें, इस तरह का ये कद्दूकस हो गया है, तो आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा, एक चम्मच तक मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और एक और बात आप देख लें, अगर आप ये जो हमने हाइड्रोजन है इसके हम 2 ढक्कन ऐड करेंगे, अगर 2 ढक्कन इसके ऐड कर रहे हैं, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, वैसे तो एक से ये काम चल जाएगा इसका, और एक हम इसका ऐड करेंगे, ठीक है। अगर हम एक इसका ऐड कर रहे हैं तो आधा इसका ऐड करेंगे, ठीक है, ये हमने डबल क्वांटिटी में लेना है, तो क्वांटिटी आप ज्यादा कम कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो मैं इसके 2 ढक्कन ऐड कर रही हूँ, चम्मच मैं यूज नहीं कर रही, इसी पे मैं बता रही हूँ, 2 ढक्कन इसके ऐड करूंगी, और 2 ढक्कन मैंने हाइड्रोजन के ऐड किए, 1 ढक्कन मैं जो है एमोनिया सॉल्यूशन का ऐड करूंगी। ये 20 रुपीज का आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हमारे हाथों पे कोई निशान बन गए हैं, मतलब जल गए हैं हमारे हाथ किचन में काम करते हुए, मैं ये यूज कर रही थी, मेरे हाथों पे मेहंदी का इन्फेक्शन हो गया है, आपको नजर आ रहा होगा वीडियो में, बहुत ही ज्यादा गंदे हाथ हो गए हैं, तो उस पर ये काफी अच्छा रहा है, और उसके साथ साथ ये बहुत ही अच्छा व्हाइटनिंग इफेक्ट भी देता है। तो फ्रेंड्स, आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से ऐसे मिक्स करना है कि ये बिल्कुल ब्लीच बन जाएगी, जैसे हम मार्केट से ब्लीच लेते हैं उस तरह की फॉर्म में बन जाएगी। आपने इसको लगाना है, आप इसको वीक में 2 से ज्यादा बार यूज नहीं करिएगा, ठीक है। मैं इसको डेली यूज करिए क्योंकि मुझे ऊपर वाली स्किन ये जो है इसको उतारना है, तो इससे बहुत ही ज्यादा अच्छा व्हाइटनिंग इफेक्ट मिल रहा है। यहां तक मैंने अप्लाई किया था, देखिए, आई होप सो आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा यहां का और यहां का डिफरेंस, तो मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। मैंने इसको 2 से 3 बार यूज किया और मैं इसको डेली यूज कर रही हूं। आप इसको डेली यूज नहीं करना वरना आपकी स्किन उतरने लग जाएगी, आपने वीक में 2 से 3 बार यूज करना, जैसे हम ब्लीच यूज करते हैं सेम वही है, ये होममेड ब्लीच बन जाती है। तो ये देखिए बिल्कुल ब्लीच की शक्ल में बन गया, जैसे ब्लीच होती है जैसे हम मार्केट से लेते हैं, वैसे इसको आपने लगाना है, लगा के 20 मिनट तक छोड़ दें, उसके बाद अपने हाथों और पैरों को जो है वॉश कर लें, आपने फेस पे अप्लाई नहीं करना, इससे बहुत ही जल्दी ग्लो करेगा आपका, जो निशान है बन जाते हैं आपके हाथों पे पैरों पे वो खत्म हो जाएंगे, आपके जो है स्किन ग्लो करेगी, कलर भी बहुत ज्यादा फेयर हो जाएगा। आपको लगा के दिखाती हूँ मैं, ये देखें, तो जैसे ब्लीच से हमें होती है इरिटेशन थोड़ी सी होती है, जलन होने लग जाती है, सेम ऐसे ही होगी। तो ये देखें बिल्कुल ब्लीच की तरह बन गया, आप ठीक क्लियर अप्लाई कर लें इसकी और लगा के 15 मिनट तक आप इसको छोड़ दें, देखें। तो 15 मिनट मैं आपको वॉश करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैंने आपको पहले रिजल्ट दिखा दिया है। आप एक बार इसको वीक में 2 बार यूज करना है, 20 मिनट तक आप इसको लगा के रखेंगे, उसके बाद आपने फेस को ठंडे पानी से वॉश कर ले, और आपने इसको फेस पे अप्लाई नहीं करना, हाथों और पैरों पर करना है, कोई निशान होगा कलर भी बहुत ज्यादा फेयर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसको वीडियो अच्छी लगी प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई भी पैसे नहीं लगने, तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।